बॉलीवुड वाले और क्रिकेटर इस बार दिवाली पर पटाखों पर ज्ञान न बांटे, क्योंकि जब आप ड्रग्स लेकर नहीं मरे तो पटाखों का धुआं आपका क्या बिगाड़ लेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोरफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो छोटी और स्पेशल होने वाली है। वीडियो के सभी पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आजकल चैनल पे स्ट्राइक चल रही है, इसलिए डेली डेली वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, पर नवंबर 7 को चैनल की स्ट्राइक कट जाएगी, उसके बाद चैनल की रीच भी बढ़ जाएगी और रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। जो जीता वही सिकंदर, ये बात आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, लेकिन जो सिकंदर को भी हराए उनका नाम क्या था? नहीं पता। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को भी हराए उनका नाम था महाराजा पोरस। ये तो वामपंथी इतिहासकारों की देन है कि अकबर बाबर की औलादों को महान बता दिया, वरना इनकी औकात तो हमारे गली के कुत्तों के बराबरी की भी नहीं थी। गजब बेइज्जती है। एक तो आजकल के जनरेशन ने धर्म रीत रिवाज का बंटा धार कर दिया, व्रत का नाम रख दिया फास्टिंग, और फास्टिंग के नाम पे कुछ कर रहे हैं, मतलब एक एक दिन में दो दो तीन तीन किलो आलू जो है वो चाप जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं भूख भी लगी है। हर चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, आटा नहीं खाएंगे पर सिंघाड़ा का आटा खाएंगे, खीर नहीं खाएंगे पर साबूदाना खीर खाएंगे, नमकीन नहीं खाएंगे पर मूंगफली लावा पेल के खींचेंगे। इसी स्कीम के चक्कर में घर के छोटे छोटे बच्चे जो है जिद्दी आते हैं कि हम भी व्रत रहेंगे, कुछ बढ़िया खाने को तो मिलेगा कम से कम। व्रत का मतलब जानते हो? या तो नीरा जली रहा जाता है, या तो फलाहारी हमारे बूढ़ पुरनिया करते थे, और ऐसे कैसे तुम्हारा भगवान सुन लेगा, मनोकामना पूरा कर देगा? यही हाल रहा है, भगवान किसी आ गए, उठा के बिग बिलियन सेल में तुमको फेंक के बेच देंगे, और जितने राक्षस हैं कुल टूट पड़ेंगे तुमको खरीदने के लिए। सही हो जाओ, सुधर जाओ। बिरयानी की दावत चाहिए? हाँ। तो नमाज घर पे पढ़नी होगी, मस्जिद में पढ़नी होगी, रोड पर नहीं। रोड गाड़ियां चलाने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे, पर तब तक के लिए स्विच टू सीएट सिक्योरा ड्राइव। मन में प्रश्न आता है कि हमने हिंदुत्व की बात की, हिंदू गौरव की बात की, कश्मीर की, हिंदुओं की। 95 वर्षों तक आपने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है, मुसलमान अराष्ट्रीय है, और आज कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान दोनों राष्ट्रीय एक है, दोनों विरोधी बात कह रहे हो। तो मुझे बताओ, 95 साल तक कहते थे वो झूठ, कहते थे डॉक्टर हेडगेवार का हिंदू राष्ट्र नहीं, यह मोहम्मद अली जिन्ना का, औरंगजेब का मुस्लिम बहुल, दारुल इस्लाम बनाने के लिए मोहन जी भागवत ने रास्ता ले लिया। धर्म का मजाक ना बनाए, प्रकृति का मजाक ना बनाए, हमें आपको जगना पड़ेगा, शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम आपको ही जगना पड़ेगा। हमारे साथ सनातन हैं, प्राचीन पद्धतियां हैं, आपके पास वेद हैं, पर वेदों का उपयोग नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपके पास संस्कृति है पर संस्कृति का उपयोग नहीं है, ये हमारा आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपके पास आदिकाल से ही संकटों से बचने के रक्षोहण मंत्र, विधियां, योग, तप, ध्यान है, पर आप और हम इसको कर नहीं पा रहे, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी कहेंगे, जो देश जितना विकासशील था उतना विनाश हुआ, वही बचेगा जिन राखे रघुवीर, जिन्हें राम जी बचाएंगे वही बचेगा, बाकी तो जाना तो सबको है। था वो खुदा अहम था, सुरक्षा जो है, मैं मवाने का एक प्रकरण बताता हूँ। मवाने में जो हमारी यहाँ दरअसल क्या है, हमारा जो क्षेत्र है मवाना, हमारी तहसील लगती है वहाँ से, यहाँ से 13 किलोमीटर उसकी दूरी है। अब जो भी हमारी बहन बेटियां, मैं भी खुद पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन है, तो हम सब लोग मवाना जाकर पढ़ते थे, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। जब नहीं थी तो बच्चों को तो पढ़ाना है, शिक्षित करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए यहाँ से मवाना पढ़ाई करने के लिए जाते थे। तो हमारी जो बहनें थी, जो हमारी बेटियां थी, मुस्लिम लड़के जो हैं उनकी छाती पकड़ के कहते थे बताओ टाइम क्या, ऐसे भींचते थे, मैं दिखा रहा हूँ, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे पे केस कर सकता है। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी यहाँ पे मवाने में, ऐसे छाती पकड़ के भींचते थे, बताओ क्या टाइम हो रहा है,
उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे खींचने, खींच के किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उस पर कुछ एक्शन ले ले। आज किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो इस्लाम की लड़की है, चाहे वो हिंदू की लड़की है, चाहे वो क्रिश्चियन की है, चाहे बौद्ध की है, चाहे सिख की है, जैन की है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की बेटी को हाथ उठा कर या आंख उठा के देख ले। ये केवल अगर राज में हुआ तो भाजपा सरकार के राज में हुआ। ये सब होता रहता तो प्रशासन बिल्कुल प्रशासन क्या करेगा जी। वहां से कमाल कांड हुआ, फोन आ गया आजम खान जी का, सीओ साहब यहाँ रहना है या भेड़ों में जाना है। सीओ साहब की मजबूरी है, करना पड़ेगा, उन्हें शासन उनका है तो वो प्रशासन को चलाओगे। क्यों मतलब बढ़ावा दिया जाता था ऐसे लोगों को? देखिए ऐसा है, किसी भी संप्रदाय को बढ़ावा तब दिया जाता है जब उन्हें वोट लेनी है। उन्हें वोट, अब देखिए हिंदू हैं, हिंदुओं में बसपा के भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के भी हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन वो जहां जाते हैं वो सब एक जगह जाते हैं, तो उनको दिख रहा है कि वो तुम्हारा एक मुश्त वोट बैंक है, तो इसीलिए सब उन पर डोरे डालते हैं। भाजपा ने क्या नहीं किया बताइए? उज्ज्वला योजना चलाई, क्या ये पूछा कि भाई तू इस्लाम का है या तू सिख है या तू बौद्ध है या तू हिंदू? हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने दीपावली को लेकर कुछ कहा है। विराट कोहली ने तो पिछली बार भी दीपावली पर यह कहा था कि पटाखों की वजह से बहुत अधिक पोल्यूशन होता है, और विराट कोहली का कहना एक तरीके से सही भी है। और अनुष्का शर्मा ने कहा कि दीपावली पर पटाखों के साउंड की वजह से डॉग्स बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन मेरे दोस्त, इनके अंदर का पर्यावरण प्रेमी और एनिमल लवर तभी बाहर आता है जब कोई बड़ा हिंदू फेस्टिवल आने वाला होता है। माना पटाखों से पोल्यूशन होता है, लेकिन वो केवल 4% होता है, वो भी केवल एक दिन के लिए। और गवर्नमेंट चाहे तो 20% पोल्यूशन अच्छी सड़कें बनाकर हमेशा के लिए कम किया जा सकता है। थोड़े दिन पहले अनुष्का शर्मा ने कुछ ट्वीट्स किए थे जिनमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पेशावरी मटन पुलाव और फिश खाई जो उन्हें बहुत अधिक पसंद आई। लेकिन दीपावली के आते ही इनके अंदर का एनिमल लवर एकदम से कूद कर बाहर आ गया और इनको डॉग्स की चिंता होने लगी। तो क्या उस बकरे में जान नहीं थी जिसको आपने बड़े मजे से खाया था? हमें किसी से कोई हेट नहीं है, लेकिन बुरा तब लगता है जब हर बार किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन विराट और अनुष्का के प्राइवेट जेट ने केवल 3 ट्रिप्स में 6 टन CO2 प्रोड्यूस की है, लेकिन इनको पोल्यूशन की चिंता केवल दीपावली पर ही क्यों होती है? वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। आप लोगों को पता है इस वक्त चैनल पे स्ट्राइक चल रही है, इस वक्त रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक सपोर्ट आपके एक हिंदू भाई के लिए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। एक तरफ देश में एक ग्रुप ऐसा जो ये बोलते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, सरकार उनको कुछ नहीं बोलती, दूसरी तरफ उसी ग्रुप के समर्थक हमारे ही देश के लोगों को कागज देख देख के मार रहे हैं। यदि हम नाम देख के सब्जी खरीदे तो हम गलत, यदि हम नाम पूछ के दुकान पर जाए तो हम गलत, यदि हम किसी का नाम पूछ के उससे दूध ले तो हम गलत, लेकिन हिंदुओं के नाम पूछ पूछ के हिंदुओं की खोपड़ियों में गोली मारी जा रही है, क्या है, सही है? बंद करो ये नंगा नाच, कितनी बार समझाया तुम लोगों को, हा? देश की पूरी संस्कृति भ्रष्ट कर दी है। चलो निकलो यहाँ से, चलो चल चल चल। सावधान कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ सबको, सब सुन लो, आज से ये ठिक चिक एकदम बंद, बहुत हो गया, बहुत पटक लिए, अगर आप भी नहीं माने तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा, कि किस समझे कि नहीं? वार्निंग क्या दे रही है बे? तेरे को नहीं पसंद तू बताइयो, तू चुप है साला पाकिस्तानी। काम ओपर करेगा तो काम आए ये बेवकूफ। गोबर इधर तो आइयो, जाना आजा। गोबर, एक 10 का नोट लेगा या एक के 2 सिक्के? एक नोट क्यों जी?
तो दो सिक्के लूंगा। ले रख रख रख, इसीलिए तो गोबर कह रहे हैं। शिव को ही गल ले अल्फ अल्लाह अल्फ अल्लाह अल्फ अल्लाह। घर आ गया किसी पे हाथ ना उठा मारा महाराज क्लोर में क्यों दोबारा मत पूछना। टैम्पोन हाथ ना उठा। सबको पता है क्लोरमिन बम 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 बोले बम बम बोले मस्ती में गले। वीडियो पे अंत तक बने रहने का आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। इस चैनल पे स्ट्राइक चल रही है तो हमारे दूसरे चैनल को डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम। दोस्तों छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।